इधर सहरसा जिले में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े निजी मोबाइल कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि निजी मोबाइल कंपनी के कर्मचारी ने लूट का विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में जुट गई है। कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार ठाकुर जी, मंटू सिंह के यहाँ स्टाफ हैं, सैमसंग के मोबाइल के भी बाजार जा रहा था, कुछ पैसे पता चल सर लूट के दौरान गोली मारी गई है तो पता करना होगा, जानकारी हम लोग ले रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, डॉक्टर है, पैर में गोली लगी है। मैं सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के सदस्य को पकड़ा है। वहीं मौके से पुलिस ने चोरी किए हुए 27 साइकिल भी जब्त किए हैं। एक तारीख को सूचना मिली थी कि ग्राम बहादुरगंज में एक व्यक्ति जो चोरी का साइकिल रखकर उसका व्यापार करता है, जिस पर सूचना पर जब हम लोग गए तो मामला को सही पाया। उसके घर से करीब 27 पीस साइकिल बरामद किया गया है। उसके बारे में पूछने पर बताया कि यह चोरी का है जो हम बेचते हैं, इसी के आधार पर बात नहीं की। सहरसा में चोरों ने पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दी है। ताजा मामला डीबी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां बाइक सवार चोर रजरीना खातू नामक महिला से 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़िता बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाकर चोर पैसे लेकर फरार हो गए। वही दिन दहाड़े घटी चोरी की घटना से इलाके में डर का माहौल व्याप्त है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुट गई है। 20,000 रुपया बैंक से हम निकाले, झोला में रखे हुए, जैसे निकल के रोड पर गए वैसे ही पैसा छीन ली, झपट्टा मार के झोला से। उसी में पासबुक है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है। कितना पैसा था? 40,000। वो लोग कितने लोग थे और क्या चीज से थे? दो आदमी मोटरसाइकिल पर था, काला मोटरसाइकिल आगे पीछे बैठा हुआ। सूबे में इन दिनों अपराध चरम सीमा पर है। इसका ताजा उदाहरण बिहार के सहरसा जिले में देखने को मिल रहा है, जहां महज 24 घंटे के भीतर जिले में चोरी और लूटपाट की 3 वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के पास लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां 2 लोगों से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर 10,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन कर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं। राजधानी पटना में सोमवार को हुए, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से बता दें कि सहरसा की खबर है, जहां सूबे में लगातार इस तरह की घटनाएं आम हो रही हैं। अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा के पास लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां 2 लोगों से बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के दल पर 10,000 रुपए और 2 मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव लगातार हो रहा है और पुलिस बेखबर सो रही है। पुलिस हालांकि इन अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देने में अपराधी सफलता पा रहे हैं। राजधानी पटना में सोमवार को हुए जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन और पत्थरबाजी में जिला प्रशासन ने भाकपा माले के 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार के बयान पर विधायक मनोज मंजल, अजीत कुशवाहा और संदीप सौरभ के खिलाफ गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनके अलावा आईसा नेता मुख्तार साबिर कुमार, विकास यादव के अलावा इनकलाबी नौजवान सभा के सुधीर कुमार के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही लगभग 1,000 से 200 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर पहले पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पत्थरों और रोड़े की बारिश
पुलिस पर करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया था। इधर देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। इसी बीच मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोरोना वैक्सीन ली। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेताओं ने वैक्सीन ले ली थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मिली करारी शिकस्त के बाद से एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान पर सत्ता पक्ष हमलावर है। इसी कड़ी में हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान को एलजेपी को बचाने की नसीहत दे डाली। हम प्रवक्ता ने कहा कि चिराग पासवान एलजेपी को डुबाने में लगे हुए हैं। उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी की कमान अपने चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस को सौंप देनी चाहिए। इतना ही नहीं, दानिश रिजवान ने आगे कहा कि अगर चिराग ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में एलजेपी के आधे से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ देंगे। मेरा चिराग पासवान जी को मुफ्त में एक सलाह है कि अगर वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी का सपने का बंगला, सपनों का लोचपा बचा रहे, वो विलुप्त ना हो। झारखंड के खरसावा जिला मुख्यालय में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्ड जवानों को मानदेय सहित अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की। वहीं इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो 8 मार्च को राज्य के सभी गृह रक्षक रांची पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मांग यही है कि बिहार के तर्ज पर समान काम जो झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संघर्ष यात्रा में आश्वासन दिया था कि मेरे कलम पे ताकत आएगी तो मैं जरूर झारखंड होमगार्ड जवानों को बिहार के जैसे 365 दिन ड्यूटी, समान काम का समान वेतन दूंगा। लेकिन आज 2 वर्ष होने को है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया है इस संबंध को लेते हुए। देवघर में जिला प्रशासन ने के स्टेडियम में खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के निबंधन और खाद्य सुरक्षा जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इसका उद्घाटन एसडीएम दिनेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कई दुकानदारों को नए लाइसेंस प्रदान किए गए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी की देखरेख में उनका कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। टीका लगवाने के बाद रघुवर दास ने कहा कि देश में बनी कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वे सामान्य महसूस कर रहे हैं। मुंगेर में तुल्य गंगा मुंडमाल परिक्रमा पदयात्रा के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। गंगा को निर्मल बनाने का संदेश देने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा में शामिल लोग मुंगेर स्थित गंगा घाट पहुंचे, जहां मुंगेर वन प्रमंडल के डीएफओ गौरव ओझा ने फूल देकर पदयात्रा कर रहे सभी यात्रियों का अभिनंदन किया। इस दौरान डीएफओ ने बताया कि अतुल गंगा अभियान गंगा को साफ रखने के मकसद से शुरू हुआ है और इस यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से हमारी एक अतुल्य गंगा की टीम है जो गंगा जी के किनारे किनारे पूरे गंगा जी की परिक्रमा करते हुए एक बार डाउनस्ट्रीम में और एक बार अपस्ट्रीम में और ये परिक्रमा करेंगे। और इनका उद्देश्य ये है कि गंगा के किनारे जितना भी चरण हो रहा है जितना भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।